सैमसंग गैलेक्सी M51 और Realme 7 Pro दोनों में एक ऐसा डिफरेंस है जो कि काफ़ी सारे रिव्यूअर नहीं बता रहे, और अगर आप ये डिफरेंस को जान ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस करना है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इसके फीचर्स बताऊंगा जिससे आपका मन बदल भी सकता है, आप Realme 7 Pro भी ले सकते हैं और सैमसंग गैलेक्सी M51 भी ले सकते हैं। तो कौन सा मेन डिफरेंस है आज के इस वीडियो में बात करते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम आशीष गोपाल और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करो। ये दोनों फ़ोन की, तो ये दोनों फ़ोन 18 सितंबर से 12 बजे ही अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको इसे परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल आप इसे विश लिस्ट में सेव कर लिया फिर कार्ट में ऐड कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके प्राइस को लेके, मेन जो डिफरेंस आ रहा है इसके प्राइस में ही आ रहा है, तो भी लोग चाहते हैं कि इसे मैं कंपेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल, जिसका बेस वेरियंट है Realme 7 Pro का वो 20,000 रुपीज़ का अवेलेबल है, और मैं वहीं बात करूँ Samsung Galaxy M51 तो इसका 25,000 रुपीज़ है बेस वेरिएंट, और रैम है 4GB और 128GB इंटरनल, और इसी प्राइस में 23,000 रुपीज़ में आपको Realme 7 Pro का 8GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। तो अब कौन सा फ़ोन ले, मेन डाउट ही आ रहा है। जो Realme 7 Pro है वो 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बैटरी इसका 4500 mAh का है जो कि ठीक ठाक है इसके प्राइस के हिसाब से। मैं वही बात करूँ M51 का, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है इसके बैटरी, 7000 mAh का बैटरी मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी है, प्लस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो सिर्फ 25 वॉट का है। अगर मैं बात करूँ Realme 7 Pro की तो वो सिर्फ आपको 44 मिनट या फिर 43 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन जो Samsung का फ़ोन है वो चार्ज होने में टाइम लेगा। ओके, सो यही बात याद रखें, जितना बड़ा बैटरी उतना टाइम लेगा चार्ज होने में, प्लस इसमें 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग है जो कि Realme 7 Pro के कंपैरिजन में कम है। बात आती है कैमरा की, कैमरे में कौन सा फ़ोन बेस्ट है। जैसे कि आपको पता है 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है M51, और सेम Realme का भी यही है, कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा दिया हुआ है दोनों फ़ोन में, लेकिन जो कैमरा रहता है Realme का वो उतना अच्छा नहीं रहता। उसमें कुछ टाइम बाद डेफिनेटली आपको उसमें कुछ ना कुछ लगेगा, थोड़ा ब्लर टाइप्स आने लगता है या फिर थोड़ा वो डॉट डॉट टाइप्स आ जाता है, मतलब क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है। नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है Realme के फ़ोन में, क्योंकि मैं Realme फ़ोन यूज़ कर चुका और मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये दिक्कत आती है। वो आप बोलोगे कि फ़ोन का प्राइस हाई है तो नहीं आएगी, नहीं आता है दिक्कत, वो आप यूज़ करके देख लीजिए, वो अब आपके ऊपर है। ओके, अब बात करते हैं Samsung Galaxy M51 के कैमरे के बारे में। अगर मैं कंपेयर करूँ इसे Realme 7 Pro से तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ Samsung का जो कैमरा रहेगा वो अच्छा रहेगा Realme 7 Pro से, क्योंकि मैं इसके रिव्यू के बारे में रिसर्च किया तो मुझे को पता चला कि कैमरा इंप्रूव हुआ है लेकिन Samsung Galaxy M51 जितना नहीं, और इसके जो फ्रंट कैमरा है उसमें थोड़ा सा प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। Samsung Galaxy M51 में मिडिल में मिल रहा है और इसमें आपको साइड में मिल रहा है, बस ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं लुक के बारे में, काफ़ी लोगों को फिजिकल लुक भी मैटर करता है, तो कौन सा बेस्ट है लुक के वाइज में। फ्रंट के में तो फ्रंट से तो दोनों फ़ोन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अगर मैं बैक की बात करूँ तो Realme 7 Pro ज़्यादा प्रीमियम लगता है M51 से। M51 प्लास्टिक के साथ आता है, Realme 7 Pro में आपको मेटल बॉडी मिलता है, और दोनों फ़ोन सेम ही है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दोनों फ़ोन में आपको मिलता ही है। अब बात करते हैं दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और आपको डेली फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, और आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप Samsung को फ़ोन को यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप ऑफिस पर्सन हो तो आपको सिर्फ इसमें करना क्या होगा, रात भर चार्जिंग करिए फ़ोन, जो कि डेफिनेटली सब लोग यही करते हैं, और कई लोग जो ऑफिस पर्सन ऐसे भी हैं जो पावर बैंक यूज करते हैं, तो अगर वो अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप Samsung Galaxy M51 ही लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। 7000 mAh बैटरी बहुत होता है और आपके एक दिन आराम से चल जाएगा एकदम हैवी यूज में भी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप जॉब वॉब करते हैं और आपका फोन को यूज रहता है और सिर्फ फोन को एक बार चार्ज करना चाहते हैं तो इसको यूज करिए, और आपको पावर बैंक यूज करने का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर आपको एकदम परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, अच्छा रैम चाहिए, तो आप उससे ज्यादा प्राइस में यानी 22,000 रुपीस में आप Realme का फोन ले सकते हैं हैवी यूज के लिए, आप इजिली चार्ज कर सकते हैं फोन को, तो आप डेफिनेटली यार आप Realme को लीजिए, क्योंकि आपको कम प्राइस में अच्छा रैम भी दे रहा है प्लस Samsung से कम प्राइस में ओवरऑल भी। ओके, क्योंकि उसका बेस वेरियंट ही आपको 25,000 रुपीस पर रहा है, तो वो आपके ऊपर है आप कौन सा फोन लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और ओवरऑल ये था रिव्यू, अगर फिर भी कुछ डाउट है डेफिनेटली कमेंट करिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। मेरा नाम है आशीष गोपाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।